Hey guys, this is Deepak from Chemical Gyan YouTube channel. So students, we were studying with a chapter respiration in plants. हमने respiration in plants में देखा कि respiration के types कितने होते हैं और उसके steps देखे. Steps में we have discussed in detail about glycolysis, जिसको amphibolic pathway भी कहते हैं, और we have discussed this Krebs cycle also. Krebs cycle और glycolysis को बहुत ही अच्छे तरीके से explain किया गया है, उसके लिए आप previous दो lectures को ध्यान से देखें. तो बच्चों, हमने glycolysis और Krebs cycle में कुछ देखा था कि वहां पे कुछ मिल रहा था जिसे कहते थे reduced coenzymes. तो in Krebs cycle and glycolysis we were getting two types of reduced coenzymes. बच्चों, पहला होता था NADH2 and the second one was FADH2. तो बच्चों, अगर बात करें कि हमें ग्लाइकोलिसिस में कितने नाटचो मिल रहे थे और हाँ, लिंक चेन रिएक्शन, बच्चों तीन रिएक्शन से हमें ये रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स मिल रहे थे, नाटचू और फाटचू. वो तीन रिएक्शंस कौन से थे? पहला रिएक्शन होता था बच्चों, फर्स्ट रिएक्शन वॉज ग्लाइकोलिसिस, और वहां पे मैंने आपको बताया था कि आपको वहां पे दो NADH2 मिलता है. सेकेंड वॉज लिंक चेन रिएक्शन, और वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि पाइरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की वजह से वहां पे भी एक बच्चों ऑक्सीडेशन की वजह से हाइड्रोजन निकलता है, और वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कौन करता है? NAD. और क्या बनाता है? वहां पे भी दो मॉलिक्यूल्स ऑफ नाटचू बनते हैं. और थर्ड इज क्रेब्स साइकिल. बच्चों, हमें पता है कि फॉर अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज देयर हैज टू बी टू साइकिल्स ऑफ द क्रेब्स साइकिल. मतलब क्रेब्स साइकिल के दो रिएक्शंस होने चाहिए एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए. तो ये बातें बताई थी मैंने. तो क्रेब्स साइकिल हो गया. क्रेब्स साइकिल में हमें पता है कि एक साइकिल में, क्रेब्स के एक साइकिल में, वन साइकिल will produce three nartchus. So we know that these two cycles of Krebs cycle will produce six nartchus, and we also know that one cycle will produce one fadchu, FADH2. Bacho, I hope the full form of this reduced coenzymes, you know the full forms. So one cycle mein kitne fadchu ban rahe? Ek. To do cycle mein kitne banenge? टू फाड़चूस. तो बच्चों, इन टोटल वी कैन से दैट फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस, लिंक चेन रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल वी आर गेटिंग दिस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ, टोटल 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस नाटचूस. टू ओवर हियर एंड सिक्स ओवर हियर. टोटल 10 नाटचूस वी आर गेटिंग इन द होल ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल एंड लिंक चेन रिएक्शन, एंड वी आर गेटिंग टू फाड़चूस. बच्चों, इनको बोलते हैं रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स. ये रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स विल देन बी ट्रांसपोर्टेड टू द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. बच्चों, ये जो हमें मिले हैं, ये जो भी रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स हैं, ये कहां मिलते हैं बच्चों? अलग अलग लोकेशंस में मिलते हैं. पहला नाटचू जो मिलेगा हमें पता है ग्लाइकोलिसिस से मिलेगा, एंड वी नो दैट ग्लाइकोलिसिस विल अकर इन साइटोप्लाज्म. ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में, एंड वी नो दैट दिस लिंक चेन रिएक्शन इट आल्सो अकर्स इन द साइटोप्लाज्म. एंड दिस क्रेब्स साइकिल के जितने भी रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स हैं, दिस नाटचो एंड फाटचो, वो दोनों कहां मिलेंगे बच्चों? तो ये मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, राइट? तो ये सारे के सारे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. ये सारे के सारे क्या होंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये ऑक्सीडाइज होते हैं, इसीलिए ये ऑक्सीडाइज होंगे, हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे. हाइड्रोजन कौन से फॉर्म में जाएगा बच्चों? हाइड्रोजन का वापस ब्रेकडाउन होता है, वो प्रोटॉन बनेगा और इलेक्ट्रॉन बनेगा, और उस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट पे फेंकते जाएंगे, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है. तो इसको बहुत अच्छे तरीके से बच्चों एक्सप्लेन किया गया है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से. हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए टोटल कितने नाटचू और फाटचू बन रहे हैं. मैंने आपको बताया कि ये जो भी रिड्यूस कोएंजाइम्स बन रहे हैं, या तो साइटोप्लाज्म में बनेंगे या फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बनेंगे. तो इनका क्या होगा? सबसे पहले
हमें देखना होगा कि इसका साइट कहाँ है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साइट के बारे में बात करेंगे अगर, तो हमें पता है कि इट अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड वी नो दैट। और बच्चों आप देखोगे जब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखोगे, आप ध्यान से देखोगे, तो आपको ऐसा दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को 5 कॉम्प्लेक्सेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स जो होगा बच्चों उसको बोलते हैं हम लोग NADH2 डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। अब बच्चों इसमें इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, जब हम लोग रिएक्शन डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। द वेरी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इज NADH2 डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, द सेकेंड कॉम्प्लेक्स वुड बी सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, थर्ड कॉम्प्लेक्स विल बी कॉल्ड एज साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, फोर्थ कॉम्प्लेक्स इज साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स एंड फिफ्थ कॉम्प्लेक्स इज सिंथेस कॉम्प्लेक्स ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स। तो चलो ये 5 कॉम्प्लेक्सेस में टोटल डिवाइड किया हुआ है। ये कॉम्प्लेक्सेस के नाम बड़े आसान है, ये कॉम्प्लेक्स के नाम उनके रिएक्शन के अकॉर्डिंग पड़ते हैं। तो जब हम इनका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का रिएक्शन ध्यान से देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि कैसे ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस के नाम दिए हुए हैं। तो बच्चों अगर रिएक्शन डिस्कस करें तो पहले ये कॉम्प्लेक्सेस के नाम मैं थोड़ी देर के लिए मिटाता हूं, आप एक बार पॉज करके ये कॉम्प्लेक्सेस के नाम लिख ले। तो स्टूडेंट्स लेट्स डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मैकेनिज्म देखेंगे बच्चों। एक छोटा सा चेंज है, मैंने आपको साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बताया था पहली बार, लेकिन दूसरी बार लिखते टाइम मेरे से गलती हो गया, मैंने माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की जगह मैट्रिक्स लिख दिया था, तो वो थोड़ा सा आप चेंज कर लें। और आपको पता है कि बाकी सारे रिएक्शंस कौन कौन से जगह होते हैं, आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस होगा साइटोप्लाज्म में और लिंक चेन रिएक्शन भी साइटोप्लाज्म में होता है एंड दिस क्रेब्स साइकिल इट अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो अब ध्यान देते हैं बच्चों, तो मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्सेस कैसे डिवाइडेड है। ये जो है बच्चों ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन है। जैसे कि मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया का अगर शेप दिखाऊं बच्चों, तो दिस सपोज दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया एंड वी नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया हैज टू लेयर्स टू मेम्ब्रेन्स राइट। तो दिस इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड दिस इज आउटर माइटोकॉन्ड्रियल ये जो बच्चों मैंने बनाया है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, अगर आप इसका कट सेक्शन लेते हो और ऐसे अरेंज करते हो तो आपको इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। और इसके मेम्ब्रेन में मैंने बताया कॉम्प्लेक्सेस 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं जो अरेंज किए हुए। तो बच्चों आपको एक मतलब थोड़ी सी बात अजीब लगी होगी कि मैंने इसको नाम दिया कॉम्प्लेक्स 1, इसको नाम दिया, इसको नाम मैंने कॉम्प्लेक्स 2 देना चाहिए था, लेकिन इसको मैं नाम देता हूं कॉम्प्लेक्स 3 एंड दिस वुड बी कॉम्प्लेक्स 2 एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स 4 एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स 5। तो ये थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा कि सर पहले कॉम्प्लेक्स 3 क्यों आया है। बच्चों ये आपके टेक्स्ट बुक में नई टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग NCERT की ऐसे बनाया है उसने। इसका एक रीजन भी है क्योंकि अगर आप एनर्जी ग्रेडियंट देखते हो तो वो जो एनर्जी ग्रेडियंट होता है वो FADH2 का, बच्चों इस पे मैंने लिखा था सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। ये वाले कॉम्प्लेक्स का नाम आपने पहले वाले स्लाइड में देखा होगा, तो लिखा था सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। दोस्तों बच्चों सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस जब होता है तो वहां पे एक एंजाइम बनता है, रिड्यूस को एंजाइम बनता है जिसको बोलते हैं FADH2, और FADH2 वाले एंजाइम का जो एनर्जी ग्रेडियंट होता है वो कम होता है। इसके लिए मैंने कॉम्प्लेक्स 3 को ऊपर रखा है और कॉम्प्लेक्स 2 को नीचे रखा है। इसके रिएक्शन को देखेंगे बच्चों तो कुछ ऐसा है रिएक्शन इसका। हमारे पास बच्चों दो रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स हैं और ये दो रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स को हमें क्या करना है, इनको ऑक्सीडाइज करना है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या पढ़ते हैं बच्चों हम लोग, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ द रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स, मतलब ऐसे कोएंजाइम्स
जो ग्लाइकोलाइसिस लिंक चेन रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल में रिड्यूस हो चुके हैं उन्हें हम करते हैं ऑक्सीडाइज। एंड बच्चों वी नो व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो बच्चों क्या होगा, ये जो NADH प्लस H प्लस रिड्यूस को एंजाइम होता है दैट इज NADH2, ये क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, ये बन जाएगा NAD+। और बच्चों दो हाइड्रोजन निकलेंगे, दो हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन्स डायरेक्ट क्या कर दिए जाएंगे बच्चों, बाहर वाले माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बाहर भेज दिए जाएंगे। तो 2H+ यहां से बच्चों एक NADH2 को आप ऑक्सीडाइज करोगे तो एक NAD+ बनेगा, जिसके वजह से दो हाइड्रोजन निकला बच्चों। हाइड्रोजन कैसे निकलेगा, H2 के फॉर्म में, एंड ये H2 क्या हो जाएगा, 2H+ बनेगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स बनेगा। तो मैंने आपको बताया कैसे होगा रिएक्शन, ये जो NADH2 है ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, एंड द इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको कैरी करेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कैसे कैरी करेंगे, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कैरी जो करेगा कॉम्प्लेक्स 1 में इलेक्ट्रॉन को NADH2 का, वो होता है FMN। FMN के बाद जो इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा बच्चों वो होता है FES। FES के बाद जो इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा बच्चों वो होता है UQ। क्या करेगा, UQ का फुल फॉर्म होता है UB क्विनॉन। और ये जो UB क्विनॉन है बच्चों, जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ये रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज वी नो दैट द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तो ये रिड्यूस होगा UQH2 के फॉर्म में बन जाएगा, और ये पहला कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन हो गया। यहां पे हमने क्या किया बच्चों, NADH2 को ऑक्सीडाइज किया। NADH2 को ऑक्सीडाइज करने का सबसे पहला स्टेप याद रखना है आपको, H2 को रिमूव करना है, और H2 को रिमूव करने के बाद H2 को 2H+ +2 इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन कैरियर से एक्सेप्ट कराना होगा। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर जो होगा उसको FMN बोलते हैं। FMN का फुल फॉर्म होता है बच्चों, FMN का फुल फॉर्म होता है फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, और ये है बच्चों फेरस सल्फर प्रोटीन, FES, फेरस सल्फर प्रोटीन। तो बच्चों दो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होंगे जो नाड़ छू के इलेक्ट्रॉन को कैरी करेंगे, सबसे पहले FMN, देन FES, और ये FES अल्टीमेटली किसको दे देगा बच्चों, UQ इलेक्ट्रॉन कैरियर को। UQ का फुल फॉर्म है UB क्विनॉन। UB क्विनॉन बच्चों जैसे ही हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा बच्चों, ये कीटोनिक ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप। एंड यू नो दैट, आपको पता होना चाहिए कि कीटोनिक ग्रुप में अगर आप हाइड्रोजन ऐड करते हो तो वो क्या बन जाता है बच्चों, अल्कोहलिक ग्रुप। तो यही UB क्विनॉन क्या बन जाएगा, UB क्विनॉल। अब ये रिड्यूस हो चुका है, सबसे पहला रिएक्शन ये हुआ आपको पता है बच्चों। उसके बाद ध्यान देना आपको थर्ड कॉम्प्लेक्स में, दिस वॉज द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स एंड दिस कॉम्प्लेक्स वॉज नोन एज, इस कॉम्प्लेक्स का नाम था NADH2 dehydrogenase। तो बच्चों हमने पहला कॉम्प्लेक्स 1 का रिएक्शन देखा। कॉम्प्लेक्स 1 के रिएक्शन में हमें क्या करना था, NADH2 को तोड़ना था और हाइड्रोजन को क्या करना था बच्चों, प्रोटॉन्स के फॉर्म में बाहर भेजना था और इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू ट्रांसफर करना था। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कौन कौन से थे बच्चों, पहला था FMN, देन FES। FMN का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, FMN का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, एंड FES इज फेरस सल्फर प्रोटीन। ये सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देंगे, UB क्विनॉन को, और UB क्विनॉन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और क्या बन जाएगा, UB क्विनॉल। अब बच्चों थर्ड कॉम्प्लेक्स, सेकेंड कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स 2 में क्या होता है, आपको पता है कि क्रेब्स साइकिल में सक्सिनेट से फ्यूमरेट के प्रोसेस में एक FADH2 नाम का को एंजाइम रिड्यूस होता है। तो ये FADH2 को एंजाइम क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। तो बच्चों हमें पता है कि क्रेब्स साइकिल में सक्सिनेट से फ्यूमरेट के स्टेप में FADH2 जो बनता है, और वो FADH2 क्या होगा बच्चों,
ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होने का मतलब हाइड्रोजन निकलेगा और वो हाइड्रोजन प्रोटॉन्स के फॉर्म में बाहर के मेम्ब्रेन के बाहर भेज दिया जाएगा, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या फिर माइटोकॉन्ड्रियल साइटोप्लाज्म में डाल दिया जाएगा और यहां बनेगा दो प्रोटॉन्स, ये दो प्रोटॉन्स और यहां से ये दो प्रोटॉन्स, टोटल मिलके चार प्रोटॉन्स हमें बच्चों आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बाहर मिल गए। और मैंने बताया कि जब H2 टूटेगा तो किस फॉर्म में टूटेगा, H2 विल ब्रेक डाउन एज 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स को कौन कैरी करेगा बच्चों, दिस इलेक्ट्रॉन विल बी कैरीड बाय FES एंड दिस FES विल गिव इट्स इलेक्ट्रॉन टू यूबिक्विनॉन, यूबिक्विनॉन विल गेट रिड्यूस, यूबिक्विनॉन क्या करेगा बच्चों रिड्यूस हो जाएगा और UQH2 बन जाएगा और ये UQH2 और ये UQH2 अपना अपना इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 को देंगे जिस कॉम्प्लेक्स का नाम है बच्चों साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स और ये साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स में इनके इलेक्ट्रॉन आएंगे, इनके इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करेगा बच्चों सबसे पहला वो होता है साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम बी का इलेक्ट्रॉन कौन कैरी करेगा बच्चों साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C1 इलेक्ट्रॉन को आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे एक आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे बच्चों एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है जिसका नाम है सी, साइटोक्रोम सी। तो साइटोक्रोम सी क्या करेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और साइटोक्रोम सी इज द मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, तो ये क्या होगा बच्चों साइटोक्रोम सी विल मूव टू द कॉम्प्लेक्स 4। साइटोक्रोम सी जो है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉन्स, जो साइटोक्रोम सी ने इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C1 ने इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी को दिया था वो साइटोक्रोम सी इलेक्ट्रॉन लेके कॉम्प्लेक्स 4 में आ जाएगा और कॉम्प्लेक्स 4 में क्या होगा बच्चों साइटोक्रोम सी, कॉम्प्लेक्स 4 में बच्चों होता है साइटोक्रोम ए एंड ए थ्री, साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम ए थ्री एंड साइटोक्रोम ए एंड ए थ्री में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके बच्चों यहां आ जाएंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में और बच्चों माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में यहां से दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ट्रांसफर किए जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा बच्चों ऑक्सीजन, हाफ ऑक्सीजन विल गेट कन्वर्टेड विद कंबाइन विद 2H+ एंड इट विल फॉर्म मेटाबॉलिक वाटर, एक मेटाबॉलिक वाटर बनेगा और ये मेटाबॉलिक वाटर कैसे बना बच्चों, तो बाहर के साइटोप्लाज्म से दो प्रोटॉन्स आए, ये दो प्रोटॉन्स ने किससे किसके साथ कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ, जो ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ऑलरेडी प्रेजेंट था, इसको बच्चों H+ को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स और वो इलेक्ट्रॉन कहां से आया बच्चों, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो भी इस प्रोसेस में हो रहे थे वो सब यहां आ गए, इसके वजह से हमें मेटाबॉलिक वाटर मिला, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। बट आपको एक चीज दिख रहा होगा बच्चों कि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साइड पे प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन हो रहा है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साइड पे क्या हो रहा है बच्चों प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रोटॉन्स की कमी हो रही है बिकॉज इट इज यूटिलाइज, यहां पे जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है मैट्रिक्स है वहां पे इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है और यहां पे नेगेटिव बन रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट बना, ये एक ईएमएफ जनरेट करेगा जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर आप बोल सकते हो प्रोटॉन मोटिव फोर्स। और ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्या करेगा बच्चों हाइड्रोजन को जब यहां भेजने की कोशिश करेगा, क्योंकि कभी भी किसी भी सेल में हमारे चार्ज का इंबैलेंस नहीं होना चाहिए, चार्ज बैलेंस रहना चाहिए, तो यहां के H+ यहां आने की कोशिश करेंगे, इसको बोलते हैं एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स, इसका इस कॉम्प्लेक्स का नाम है कॉम्प्लेक्स 5 एंड इसका नाम है एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स, एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स। एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स बच्चों दो चीजों से बना हुआ है, इसको बोलते हैं F0 पार्टिकल और इसको बोलते हैं F1 पार्टिकल। ये जो दोनों पार्टिकल्स होते हैं बच्चों ये फ्रीली परमिएबल होते हैं, यहां से क्या होगा प्रोटॉन्स का रश होगा,
प्रोटॉन्स बहुत ही तेजी से यहाँ भागेंगे, जिसके वजह से प्रोटॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चों, दैट विल बी कन्वर्टेड, दैट विल बी यूटिलाइज, प्रोटॉन्स की काइनेटिक एनर्जी यूटिलाइज होंगी एडीपी मॉलिक्यूल में आईपी को जोड़ने के लिए। एडीपी प्लस आईपी मतलब एटीपी में जो लास्ट बॉन्ड होता है, ट्राइफॉस्फेट बॉन्ड होता है, उसको बनाने के लिए जो एनर्जी आई वो कहां से आई, यहां से, यहां पे प्रोटॉन्स के रश के वजह से। दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो प्रोटॉन्स का रश हुआ थ्रू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एफ नॉट और एफ वन पार्टिकल के थ्रू, इसको बोलते हैं, इसके वजह से मुझे मिला एनर्जी और ये एनर्जी यूटिलाइज हुआ एटीपी बनाने के लिए। और बच्चों मैंने आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या बोला था कि जो भी रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स मिले हुए हैं हमें, चाहे वो ग्लाइकोलिसिस से मिले हैं, लिंक चेन रिएक्शन से मिले हैं या फिर क्रेब्स साइकिल से मिले हैं, वो क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे, उनके ऑक्सीडाइजेशन के वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के वजह से हमें एटीपी मिलता है। जहां पे मैंने आपको एटीपी करेस्पोंडेंस बताया था, एक एक नाड़चू से टोटल आपको बच्चों 3 एटीपी मिलते हैं और एक फाड़चू से FADH2 से 2 एटीपी मिलते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बच्चों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपको क्या याद रखना है, देयर आर 5 कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो भी रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स बने हुए हैं या फिर साइटोप्लाज्म में, वो क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सेस। तो पहले कॉम्प्लेक्स का नाम है बच्चों NADH2 डीहाइड्रोजिनेस, दूसरे कॉम्प्लेक्स का नाम है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, तीसरे कॉम्प्लेक्स का नाम है बच्चों साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, एंड फोर्थ कॉम्प्लेक्स इज नोन एज साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, सी साइटोक्रोम सी अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, इसीलिए हमने फोर्थ कॉम्प्लेक्स का नाम रखा था साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। यहां पे साइटोक्रोम सी का ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो ऑक्सीडाइज्ड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज होके लॉस हुआ है, उसको कौन कैरी करता है, साइटोक्रोम ए से साइटोक्रोम ए 3 की तरफ आता है। एंड द लास्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ETC, लास्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज द ऑक्सीजन। देखो ना ऑक्सीजन लास्ट एक्सेप्ट कर रहे कि नहीं, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एंड दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ O2 माइनस प्लस 2H+, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे बच्चों H2O मेटाबॉलिक वाटर। तो फोर्थ कॉम्प्लेक्स का नाम पड़ गया साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, एंड फिफ्थ कॉम्प्लेक्स इज नोन एज एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स। बच्चों नीट एग्जाम में या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में वो लोग कॉम्प्लेक्स का नाम आपसे पूछते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रिएक्शन क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।